हाय दोस्तों, मैं हूँ विजय वर्मा और मेक एंड क्रिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किसी भी फोटो का ड्रेस का कलर चेंज कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप हमारा वीडियो मिस नहीं करेंगे। और चलिए पहले हम फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। देखिए, ये फोटोशॉप ओपन हो रहा है। दोस्तों देखिए, ये ओपन हो गया है। और चलिए पहले हम वो इमेज ओपन कर लेते हैं जिसका हमें ड्रेस का कलर चेंज करना है। तो कुछ भी ले सकते हैं। मैंने दोस्तों ये ले लिया। और सबसे पहला चीज हमें ड्रेस चेंज करने के लिए, मतलब इसका कलर चेंज करने के लिए क्या करना होगा कि पहले हम टी शर्ट का कलर चेंज करेंगे, उसके बाद हम इसका। तो चलिए पहले हम इसका कलर चेंज करते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपको कोई ऐसा टूल लेना होगा जिससे ये टी शर्ट सेलेक्ट हो सके। या तो आप लेज़र टूल, पॉलीगनल लेज़र टूल और मैग्नेटिक लेज़र टूल से कर सकते हैं, या फिर आप मैजिक टूल से भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक कीजिए शिफ्ट के साथ, ये जैसे आपको आसानी हो। मैं इससे करता हूँ, पॉलीगनल लेज़र टूल से। चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, पॉलीगनल लेज़र टूल में ये एकदम सीधा जाएगा। और इसका एक ख़ास बात भी है कि अगर आपसे ये गलत हो गया तो आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये एक स्टेप बैक हो जाएगा। जैसे बैक स्पेस, देखिए, और आप फिर से कर सकते हैं। तो आइए हम इसे कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैं फोटोशॉप के टूल्स के बारे में बता रहा हूँ तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए ताकि आपको फोटोशॉप अच्छे से समझ में आ जाए। और दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ उसे आपको घर पे भी प्रैक्टिस करना होगा तभी आपको ये आएगा। नहीं तो ये जादू नहीं है कि आपने वीडियो देख लिया और आपको समझ में आ गया। आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपको इसे करके ट्राई भी करना होगा। और दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको समझा सकूं। ऐसे ऐसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इस टूल से आसानी होता है इसलिए मैं इससे करता हूँ। आपको जिससे आसानी हो आप जैसे कर सकते हैं वैसे आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे फोटोशॉप जो है वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप अपने इमेज को बहुत अच्छी तरह से एडिट कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे कंट्रोल बी आप इससे भी कर सकते हैं, इधर कीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए, और कंट्रोल यू। देखिए, तो मैं कंट्रोल यू प्रेस करूँगा और इसे मैं, दोस्तों देखिएगा, मैं इसे गुलाबी कर दूँगा। आप ऐसे आ जाइए, मान लीजिए ऐसे करना है, मैं गुलाबी करना है तो मैं ऐसे कर दिया। ऐसे लाइटनेस को बढ़ा घटा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ओके कर दीजिए तो देखिए ये चेंज हो गया। उसी तरह आप इस पैंट के भी कलर को चेंज कर सकते हैं। पहले सेलेक्ट कीजिए, देखिए इस टाइप से, हो सकता है आपको शुरुआत में थोड़ा परेशानी हो लेकिन आप धीरे धीरे इसे अच्छे से सीख जाएंगे।
दोस्तों देखिए, हमने इसे भी सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल बी से भी कर सकते हैं ऐसे, मान लीजिए कि ब्लू है, देखिए ऐसे कर दिया। देखिए दोस्तों, इस तरह मैंने अपने ड्रेस का कलर चेंज कर दिया है। और दोस्तों इसी तरह आप अपने आप किसी भी ड्रेस का कलर चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको उसे अच्छे से सेलेक्ट करना होगा। और अगर आपको इसे सेव करना है तो आप फाइल में जाइए, सेव एस पर जाइए, तो अगर आप सेव करते हैं तो ये उसी में सेव हो जाएगा, उसी फोटो में सेव हो जाएगा, इसलिए सेव एस करते हैं। अपना नाम दे देता हूँ विजय, और डेस्कटॉप पर आके सेव कर देता हूँ। ओके, देखिए डेस्कटॉप पर दोस्तों आ गया है। दोस्तों एक बात बता दूं कि ये जेपीजी फाइल में हुआ है। अगर आपको ऐसा करना है कि आप इसे एडिट भी कर सके, तो उसके लिए आपको पीएसडी फाइल चाहिए। देखिए एडिटेड किया हुआ फोटो है ये, देखिए दोस्तों ये ओरिजिनल और ये एडिटेड फोटो है। तो आप इसी तरह ना एडिट कर सकते हैं। क्लोज कर देता हूँ, चलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। और दोस्तों मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहूँगा, और अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको बता सकूँ। क्लोज कर देता हूँ, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।